पिछले 4 सालों में हम लगातार कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाते चले आ रहे हैं और प्रतिभा एवं उसका एक्सपीरियंस। और जब डॉक्टर की प्रतिभा और उसका हुनर हाथ मिलाता है नवीनतम एवं उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी से, तब किसी भी बीमारी के इलाज के जो परिणाम होते हैं वो फिनोमिनल होते हैं और वो हमारी सोच के परे होते हैं। अपने प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी एवं उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा प्रदान करने की अपोलो मेडिक्स की जो प्रतिबद्धता है, हम उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। आज हम अपने अस्पताल में अपोलो मेडिक्स में प्रदेश एवं उसके बाहर के लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मयंक सोमानी एमडी एंड सीईओ अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, प्रोफेसर कर्नल डॉक्टर नरेंद्र कुमार सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर कमल कुमार गुप्ता कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और डॉक्टर सौरभ जैन कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन से एक कृपया मंच पे आके इसका नाम रखें। रोबोट पर अब जैसे इस वक्त मैं इस रोबोट को बता रहा हूँ कि इसमें किस बोन का पार्ट कहाँ पे है, जो सीटी में दिख रहा है वो पेशेंट की बोन पे कहाँ है। तो इस तरह से उसको पूरा रोबोट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि बोन कहाँ पे कौन सी है, ताकि रोबोट अंडरस्टैंड करे हर पार्ट बोन का, आप उसको आइडेंटिफाई कराते हैं। लखनऊ स्थित अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक नई टेक्निक लाई गई है। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन एआई टेक्निक यानी कि रोबो के द्वारा किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है यह टेक्निक। सर, अपोलो मेडिक्स द्वारा ये जो टेक्निक लाई गई है एआई की, क्या है उससे मरीजों को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, उससे मरीजों की सर्जरी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। अगर ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरी होगी तो उससे जो उनके नी रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और क्योंकि इसमें कटिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है तो पेशेंट की रिकवरी फास्टर हो जाती है और पेन सर्जरी की बहुत कम हो जाती है। ये सारी चीज़ सर, नॉर्मल सर्जरी की बात करें नी रिप्लेसमेंट की और अगर ये एआई सर्जरी की बात करें तो कितना डिफरेंस होता है दोनों में? इन टर्म्स ऑफ रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है आफ्टर रोबोटिक सर्जरी, और पेन कम हो जाता है। ये दो सबसे बड़ी चीज़ें। और तीसरी, जो रोबोट की हर साइंस की हर टेक्नोलॉजी की फील्ड में रोबोट का यूज़ एक्यूरेसी के लिए किया जाता है, वही हम ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोट्स की हमें एडवांटेज मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरी हो जाएगी। सर, आपने एक्यूरेसी की बात करी तो नॉर्मल सर्जरी में कितनी एक्यूरेसी मिल पाती थी और इस रोबो सर्जरी में कितनी एक्यूरेसी मिल पाएगी? देखिए, एक्यूरेसी तो एक्सपीरियंस के साथ भी होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है सर्जन का, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता जाता है, ठीक है। बट रोबोट का क्या है कि जो एक्सपीरियंस सर्जन है उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, वो रोबोट के अंदर फीडबैक कर देता है पूरा, वो सीटी स्कैन वगैरह पूरा सारा कुछ करके, तो वो डेटा बेस्ड पूरा एनालिसिस वो सारे का सारा वहाँ रिप्रोड्यूस हो जाता है सर्जरी में, जो एक्चुअल कन्वेंशनल टेक्निक के साथ वो शायद करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता 10-20% केसेस में। रोबोट में ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% हम लोग वो अचीव कर पाते हैं। ओके, थैंक यू। लखनऊ स्थित अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक नई टेक्निक लाई गई है। अब नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन यहाँ रोबोटिक सर्जरी के द्वारा किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपोलो मेडिक्स के ऑर्थोपेडिक्स एंड नी रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये रोबोटिक सर्जरी अभी तक अपोलो मेडिक्स के अलावा कहाँ कहाँ उपलब्ध थी? यहाँ दिल्ली NCR में अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल है एंड वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है, एंड आई मस्ट से कि इट इज़ गेनिंग लीप्स एंड बाउंड, बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है। उसका रीज़न यही है कि हमको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं एंड जो इसका आउटकम है ये मच बेटर देन रेगुलर जॉइंट सर्जरी, तो मोर एंड मोर पीपल दे आर एक्सेप्टिंग इट। सर, अगर इलाज की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट में नॉर्मल सर्जरी से इलाज करने में या रोबोटिक सर्जरी से इलाज करने में पेशेंट को किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, रोबोटिक सर्जरी करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहली चीज़, सर्जिकल रिस्क कम हो जाता है,
दूसरी चीज़ पेशेंट को पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। देन आपका पेशेंट फास्टर रिकवर करता है, सेम डे ऑफ द सर्जरी पेशेंट खड़ा हो सकता है, चल सकता है, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को जो फाइनल आउटकम है जॉइंट रिप्लेसमेंट का वो बेटर मिलता है, मोर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इट विल लास्ट लॉन्गेस्ट जो अब तक जितने भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनसे। सर हमें थोड़ा सा इस मॉडल के विषय में बता दीजिए कि कैसे ये काम करता है। देखिए ये मॉडल है रोबोट का, इसकी ये रोबोटिक आर्म होती है जो कि वर्क करती है, इस पर आगे एक ये बरिंग सिस्टम लगा होता है जो कि बोन को कट करता है। ये हमारे एक आपने अभी टीवी पे देखा था कि एक टीवी मॉनिटर से कनेक्टेड होता है जिससे हमें पूरा आइडिया मिलता रहता है कि जॉइंट की क्या पोजीशन है, कहाँ प्लेसमेंट करना है। सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं एक सॉफ्टवेयर पे, पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, जब वो फीड कर दिया जाता है तो पेशेंट की बोन का एक मॉडल उस पर बन जाता है जिस पर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अपने एक्सपीरियंस अपनी प्लानिंग के हिसाब से हम एक जॉइंट का मॉडल उस पर लगा देते हैं और फिर उसको सारा मूव करके उस सॉफ्टवेयर पे देखते हैं कि हाँ ये पेशेंट की बॉडी के लिए ठीक है। जब हमें वो एक्सेप्टेबल होता है तो उस रोबो को उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो रोबो को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, तब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, नी को ओपन करते हैं और रोबोटिक सिस्टम को नी से इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टम टू गाइड देम कि ये थाई बोन है, ये नी कैप है, ये नीचे लेग की बोन है, सारे बोनी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि रोबो को ये समझ में आ जाता है कि वो बोन कौन सी बोन कहाँ है और वो अपने सॉफ्टवेयर में फीडेड प्लान से उसको मैच करता है। तब हम पेशेंट के मूवमेंट्स को करके देखते हैं कि हाँ जो हमारा प्लान है वो पेशेंट की बॉडी पे कैसे वर्क कर रहा है। अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, इम्प्लांट हमारा छोटा है, बड़ा है, थोड़ा रोटेट करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, वो सब हम पहले कर देते हैं। जब हम सेटिस्फाई होते हैं तब हम रोबो को ऑन कर देते हैं तो ये बरिंग बर जो है ये बोन को उसी परफेक्शन के हिसाब से काट देती है, उसके बाद उसके ऊपर जॉइंट लगा दिया जाता है तो वो जॉइंट उसी प्लानिंग के हिसाब से लगता है कि जो हमने इनिशियली प्लान किया था। सर अभी तक लखनऊ पोलो मेडिक्स में कितने आप रोबोटिक द्वारा जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, कैसा रिजल्ट? लास्ट वीक ही आया है तो वी आर हैप्पी टू शेयर वी हैव डन ऑलरेडी 6 केसेस। आज भी एक रोबोटिक सर्जरी ही लगी हुई थी एंड ऑल पेशेंट्स आर डिस्चार्ज थर्ड डे। एक दो पेशेंट तो सेम डे खड़े होकर चलना फिरना कर गए एंड वेरी हैप्पी पेशेंट एंड ऑलमोस्ट पेन फ्री। एक पेशेंट तो गोरखपुर के थे, अभी कल ही डिस्चार्ज होकर गए हैं, मतलब सोचिए चलना फिरना, टॉयलेट जाना, अपना काम सब करना एंड पेशेंट खुद कहते हैं कि वी डोंट हैव मच पेन। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अपोलो सुपर मेडिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, जिन्होंने हमें बताया कि रोबोटिक सर्जरी से फ़ायदा ये होता है कि ब्लड लॉस कम होता है तथा पेशेंट सेम डे रिकवर हो सकता है, सेम डे उसको हम चला सकते हैं और वो अपने काम खुद कर चुका है, कर सकता है। आज तक लगभग 6 सर्जरी रोबोटिक्स द्वारा की जा चुकी हैं और सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।